तारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। तुम्हें किसने बुलाया? धर्मेश, मैंने बुलाया ताई को, क्योंकि ताई वो पहली इंसान है जिसने मुझे सबसे पहले विश किया, और इसी को सबसे पहले ये बात पता चली, इसलिए मैंने सोचा ये फंक्शन तो ताई के बिना अधूरा है, इसलिए मैंने ताई को भी इनवाइट कर लिया। ठीक किया ना मैंने? तुमने बिल्कुल ठीक किया विश। जिन्हें अपना ख्याल होता है उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलता है। अब तुझे अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल रखना होगा, अपनी सेहत का तो रखना ही होगा लेकिन इसका भी रखना है ना? जानती हूँ ताई, लेकिन सच कहूँ मुझे इसकी नौबत ही नहीं आती। धर्मेश मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं तो सोच भी नहीं सकती। चेवन प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पार्टी चल रही? ओह माय गॉड, तुम्हें वैशु ने फोन किया? वैशु को कोई शक तो नहीं हो ना? थैंक गॉड। अच्छा माधुरी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैशु को देख रहे हो? कितनी खुश है वो, जिस दिन उसे असलियत पता चलेगी उसका क्या हाल होगा तुम जानते नहीं। खबरदार जो तुमने अपना मुंह खोला। क्यों, डर लग गया तुम्हें? मैं क्यों डरूंगा, डरना तो तुम्हें चाहिए। याद है ना, अगर तुमने वैशाली को असलियत बता दी तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी जिंदगी उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन उसने तुमसे शादी करने का फैसला किया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर वैशु को मैं नहीं बताऊंगी तो उसे पता नहीं चलेगा? मैं तो वैशु की बहन हूं इसलिए अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊंगी, लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं। वैसे एक बात बताओ धर्मेश,
माधुरी को असलियत पता है या फिर उसे भी धोखे में रखा है? This is none of your business. ये मेरी लाइफ है, तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। एक सेकेंड, मुझे कोई पड़ी नहीं तुम्हारी जिंदगी में घुसने की, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना धर्मी, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अर्चना, अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुमसे कहा ना जेवन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अर्चना, एक मौका दो ना अर्चना, प्लीज। मेरा रास्ता छोड़ो जेवन और मुझे जाने दो। मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझसे गलती हो गई, मैंने जो भी कुछ किया वो। अब ये मत कहना कि तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। नहीं अर्चना, मैंने जो भी कुछ किया वो जानबूझकर किया, क्योंकि मैं मानव को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहता था। हर हालत में तुम्हें अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने। बस करो अपना नाटक। तुम क्या हो कैसे हो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जयवंत। अर्चना प्लीज, देखो माना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन अर्चना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदल जाऊंगा। अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम जानती हो तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी की पत्नी हूँ। अब अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी ना, तो तुम जानते नहीं हो जय, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। अर्चना, अर्चना तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो मानव ने कभी सोचा भी ना होगा। क्या रखा उस कमीने में? अर्चना, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, लो मारो और मारो और मारो, मुझे मारो मुझे। मैं किसी की भी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हें जैसा मैं चाहिए वैसा बन जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। अर्चना, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे दूंगा, सब ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज। अर्चना प्लीज, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। क्या चाहते हो तुम, अपने पैसे से अपने रुतबे से मुझे खरीदना चाहते हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो, यही तुम्हारा मतलब है। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ जयवंत, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, और प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में शांति से रहने दो। लेकिन अर्चना ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं मानव के आगे कुछ और सोच ही नहीं सकती। एक बात कहूँ, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी मानव नहीं बन सकते। मानव 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 कौन बनना चाहता है? मानव, मुझे मानव नहीं बनना है, ना मैंने कभी मानव बनने का सोचा भी था। मैं अपने आप में एक अलग इंसान हूँ। अपनी आंखों पर जो पट्टी लगी ना, वो उतार के देखो, देखो मुझे अर्चना, मुझे देखो प्लीज। भूल गई, जब मानव तुम्हें छोड़ के गया मैं था, मैंने तुम्हें अपनाया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा अर्चना, वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में, वापस आ जाओ। तुम मानव की अच्छाई कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने कभी आज तक अच्छा ही देखी नहीं, और ना अच्छा किया है। तुम अपने आप का कंपैरिजन मानव से कर रहे हो। एक बात पता है तुम्हें, तुम पागल हो चुके हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे तुमने पागल बनाया, तुमने मुझे पागल बनाया अर्चना। मैं सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चेहरा, सिर्फ तुम और तुम अर्चना। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोचता। तुमने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा किया, तुमने। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बनाया, तुमने अर्चना। अर्चना प्लीज, समझने की कोशिश करो, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की, मैंने मैंने अपने आप को भी बदलने की कोशिश की, लेकिन नहीं,
तुम्हारा ये जो भूत मेरे सर पर चढ़ा मैं नहीं उतार सकता हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो और आ जाओ मेरी जिंदगी में वापस। प्लीज मुझे तुम्हारी जरूरत है अर्चना। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। जाकर अपना इलाज कराओ। हाँ इलाज करा सकता हूँ लेकिन मेरी डॉक्टर तुम हो और सिर्फ तुम मेरा इलाज कर सकती हो। अर्चना प्लीज मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा लिखा अच्छे घर का लड़का समझ रही थी और तुमने ये हरकत की। आई आई मेरी बात तो सुन। मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, शर्मानी चाहिए तुम्हें। मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकले? आई आप मुझे गलत समझ रहे हो। बस जयवंत बस, बहुत हो चुका जयवंत। इसके आगे तुम कुछ कहोगे ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता बाबा। इसके बाद अगर तुम अर्चुक के आजू बाजू में दिखे तो भी मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगा। चलो अर्चुक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस जयवंत को अचानक हो क्या गया है। हाँ पहले तो बिल्कुल अच्छा सा सुलझा हुआ इंसान था। मेरी तो समझ के बाहर है कि वो पता नहीं ऐसे क्यों बर्ताव करने लगा। उससे मैंने इस हरकत की कभी उम्मीद नहीं की थी। सुलोचना मैंने भी उससे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ मैं मानता हूँ कि अर्चु और मानव की शादी के बाद उसका हर्ट होना, लेकिन उसे इस सदमे से जल्द संभलना होगा। आगे चलकर इसकी वजह से हमारी अर्चु को और उसको खुद को भी बहुत तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि हमें उसके आई बाबा से मिलना चाहिए। नहीं नहीं सुलोचना, उनसे नहीं मिल सकते हम। देखो शादी में जो कुछ भी हुआ है ना उसको लेकर वो लोग हमसे बहुत नाराज हैं, और अगर हम उन्हीं के बेटे की कंप्लेंट उनके पास लेकर जाएंगे ना तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट होंगे। हाँ और जयवंत के बारे में भी तो सोचो ना, वो है जयवंत की, अगर उसे पता चले कि उसकी कंप्लेंट हम उसके माँ बाप के पास लेकर गए हैं तो वो और ज्यादा वायलेंट हो जाएगा। तो फिर क्या करें? सुलोचना फिलहाल तो हम चुप बैठते हैं, कुछ नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने उसे वार्न किया है, मुझे नहीं लगता कि वो अब हमारे अर्चु के साथ कोई बदतमीजी करेगा। हमारे पास कुछ समय है, हम सोच समझ कर इसका कोई तोड़ निकाल लेते हैं। सच कहती हूँ, मुझे अर्चु की बहुत चिंता हो रही है। नहीं नहीं सुलोचना, उसकी चिंता करना छोड़ दो। हमारी अर्चु अब पहले वाली अर्चु नहीं रही है, अब वो हिम्मत वाली बन गई है। हाँ किसी भी मुश्किल का वो डट कर सामना कर सकती है, और अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ मानव भी तो है। हाँ देखना वो हमारी अर्चु पर कोई आंच नहीं आने देगा। चलो धमेश, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, एंजॉय किया हमने काफी, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स यार, मुझे लगता है पापा आजकल हम लोगों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। देखो ना पिछले कुछ दिनों से सेलिब्रेशन के मौके आते ही जा रहे हैं, पहले वैशु का बर्थडे और अब ये खुशखबरी। मुझे लगता है अब जल्दी ही ईजा बीजा और तीजा भी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो गया है, परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हा? भूल गए? ओ पार्टी तो बनती है ना। भूल गए ना, और इस पार्टी में हम दोनों तुम दोनों को सबसे पहले इनवाइट कर रहे हैं। वाओ, लेकिन कहाँ कर रहे हो पार्टी, कुछ डिसाइड किया है? अभी कुछ सोचा है नहीं, देखते हैं अभी तो टाइम है। अरे जहाँ पे अभी ये पार्टी की ना वहीं पे करते हैं। हाँ सही तो है, वैसे चलो कोई प्रॉब्लम हुई तो हम फिर बताएंगे तुम्हें। सतीश मुझे नहीं लगता मैं पार्टी अटेंड कर पाऊंगा। क्यों? अभी तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? भूल गए,
दो दिन बाद मुझे काम के सिलसिले में बैंगलोर जाना है। हम लोग नई कार की एजेंसी ले रहे हैं ना। ओह हाँ, सॉरी मैं भूल गया था। लेकिन चलो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। अगर तुम आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। I'll try my level best। अब तुम लोग जानते हो ना, कुछ और भी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन वैशु इस बार नाराज मत होना, वो तो घर पे जाके पता चलेगा। सर। यस। वो मुझे किसी ने बताया कि आप एक जॉब की वैकेंसी खाली है। सर मैं उसी सिलसिले में हूँ। वो कैटरिंग वाला जॉब ना? जी सर। वो चला गया है। सर कोई और जॉब है सर? पार्ट टाइम जॉब भी चलेगा सर, मुझे जरूरत है सर। वेटर का जॉब करोगे? हाँ सर करूँगा। मेरा बजट 5,000 रुपया है, चलेगा? जी सर ठीक है। विनायक जरा बाहर आओ। हाँ? देखो ये वेटर की जॉब के लिए आया है, इसे देख लेना। नमस्ते सर। अपना नाम और नंबर लिख दो। जी सर। थैंक यू सर। पता नहीं सब क्या हो रहा है। वहां वैशु की जिंदगी में जो हो रहा है वही मेरी जिंदगी में हो रहा है। वहां उसका पति उसकी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है, और यह जयवन आपका आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा, और वो नौकरी भी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? वैशु के घर पे कुछ अनबन हुई क्या? नहीं माना। तो फिर धर्मेश ने कुछ कहा? वो क्या कहेगा, जैसे मैं वहां गई वो इतना डर गया, उसे लगा मैं वैशु को सब सच बता दूंगी। और सच कहूं माना, और मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं वैशु को सब कुछ बता दूं, लेकिन जब मैंने उसे इतना खुश देखा ना, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़कर उसे कुछ बताने की। बस बाकी सब ठीक ही था। क्या हुआ अर्चना, इतनी उदास क्यों? अर्चना तुम समझती क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो मानव ने कभी सोचा भी ना होगा। मैंने अगर मानव को जयवंत के बारे में कुछ भी बताया तो पता नहीं मानव क्या करेंगे। उससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहती। अच्छा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माना, बस आज सुबह से बहुत भाग दौड़ हुई ना, तो मैं थक गई हूँ थोड़ा, और कुछ नहीं। चलो फिर ये सब रहने दो, आज हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर खाना खाएंगे। लेकिन क्यों माना? अरे अर्चना तुम थक गई हो, और मुझे नौकरी भी तो मिली है ना, उसके खुशी में। चलो। नहीं माना, देखिए ना आधा खाना बन चुका है। तो फिर कल खा लेंगे वो खाना, आज चलो बाहर, मेरा मन। कितना टाइम लगा दिया, मैं आपके लिए कब से वेट कर रही थी। मेरा यहां आना उतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। एक तुमने रहने के लिए ऐसी जगह चुनी है जहाँ मेरी पहचान के 500 लोग रहते हैं, सबसे छुपते छुपाते आते आते दम निकल जाता। मैं जब मुंबई आई थी मेरे पास पैसे नहीं थे, इससे महंगा होटल में नहीं अफोर्ड कर सकती थी। छोड़िए इन सब बातों को, आप बताइए आपने कोई फैसला लिया? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूँ। थोड़ा और वक्त चाहिए। धर्मेश हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम ये सोचने में इतने दिन नहीं वेस्ट कर सकते।
ये वरुण की जिंदगी का सवाल है, प्लीज जो फैसला लेना है जल्दी लीजिए। सतीश और वर्षा की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, दो दिन बाद वैशु उसी के सेलिब्रेशन में बिजी हो जाएगी, उसी दरमियान हम कहीं बाहर गांव चले जाएंगे और माधुरी वरुण की जिंदगी मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है। अर्चना, अरे आई बाबा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे 30 साल में पहली बार तेरे बाबा मुझे होटल में, मतलब यहाँ खाना खाने लेके आए हैं। कभी आए थे आज तक? मैं बोली चलो बहती गंगा में हाथ धो लो। तू भी खाना खाने आया? हाय हम। अरे अर्चना भी आई है। अरे बुला 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 उसे। अर्चना, अरे आज हम सब मिलके तेरे आई का जन्मदिन मनाते हैं। हाँ अर्चना बैठ। आई, आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। अच्छा आई बाबा, आप लोग यहाँ बैठ के खाइए, हम लोग इस टेबल पर बैठ जाए। अलग क्यों बैठते हैं? आना मेरे बाजू में बैठ, और तेरी लाडली बीवी को बोल तेरे बाजू में बैठने को, बोल। अरे अर्चना बैठ बैठ, आज बहती गंगा में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आज तक मेरे बेटे के बगैर मेरा जन्मदिन कभी मनाया नहीं गया, इसलिए बैठने को बोला। बैठ बेटा बैठ, बाकी तेरा कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, सुबह सुबह गैरेज में काम करता और फिर शाम को एक पार्ट टाइम जॉब करता, और आई जब तेरा आशीर्वाद है तो कैसे कुछ बुरा हो सकता है? ऐसा बोल बोल के कब तक रुला के रहेगा मुझे? अरे खाने के लिए कुछ मंगवाते हैं ना? हाँ, अर्चना तू बोल क्या खाएंगे आज हम? बाबा हम बटर पाव भाजी खाएं? नहीं 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 नहीं, बटर में खाती नहीं, मुझे सादी पाव भाजी। सादी पाव भाजी चलेगा। और कुछ? और कुछ? दही पूरी मंगाए? नहीं नहीं, दही से मुझे सर्दी होती है, मुझे भेल पूरी तिक्खी वाली। ठीक है ठीक है, हम लोग भेल पूरी और सादी पाव भाजी के। मैं आता हूँ। दिनों बाद मैं और मेरा सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। आज अच्छा सा काम भी मिला, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। पापा अपनी ये कृपा क्यों ही बनाए रखना।